सनु जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो दिवाली तक हमने देखा था कि धनिया 8,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, डेली 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन दिवाली जाते ही धनिए में 8,000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिले हैं, 7,800 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है नवंबर वायदा। और देख रहे हैं कि जीरा और हल्दी जो नरमी के साथ ट्रेड कर रहे थे, अब उनमें एक अचानक से उछाल देखने को मिला है। आपको क्या लगता है आगे जाके किस मसाले में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी और कितने टाइम फ्रेम के अंदर? देखिए, मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है, हमने जीरा में अच्छी रिकवरी देखी है, वहीं टर्मरिक के अंदर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि धनिया में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहा है, हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, मगर जो ट्रेंड बना है पॉजिटिव वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमें लगता है कि खरीदारी का जो ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक दोनों में अच्छी खरीदारी का ट्रेंड बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रेंड पॉजिटिव देखा है, एक्सपेक्टेड है कि स्पेशली जीरा टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेंड बनाने को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में अभी थोड़ा अराइवल का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि यहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट डिमांड देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि बायोइंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। तो मसालों में एक्सपोर्ट डिमांड का काफी असर रहेगा, हालांकि सोइंग एक्टिविटी थोड़ी सी कम रही है यहाँ पर मसालों में इस बार, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो भी डिप मिलता है वहाँ खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जी,